हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी का करंट अफेयर, जिसमें हमने पहला वीडियो देख लिया था और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विकास स्वरूप को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका कनाडा में। देखिए, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम कार्यालय द्वारा चलाया जा रहा ब्लू हार्ट, थोड़ा ध्यान में रखें, अभियान किससे संबंधित है? ये संबंधित है मानव तस्करी से। ये यूपीएससी आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पीसीएस के लिए तो है ये। एसओचैम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके संदीप जजोड़िया। फैक वाल्टर स्टेनमेयर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ये चुने गए जर्मनी के। सेबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं अजय त्यागी। पत्नी पटनायक का निधन हो गया है, ये कौन थे? ये थे आपके साहित्यकार। जोवेनेल मॉइस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं आपके हैती के। ये प्रसिद्ध उर्दू उपन्यासकार और पटकथा लेखक बानो कुदसिया का निधन हो गया है, वे किस देश की थी? ये भी थी पाकिस्तान की, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में किसी सतत विकास लक्ष्यों के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका अशोक अमृत राज को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का नया सीईओ और एमडी किसे नामित किया गया है? ये किया गया है विक्रम लिमाए को। हाल ही में किसे अफ्रीकी संघ आयोग का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? ये किया गया है आपका मूसा फकी महामत को। तो इम्पोर्टेंट है ये अफ्रीका संघ। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन स्थल किस सैद्धांतिक रूप से घोषणा करी गई है? कहाँ आयोजित होगा ये? ये होगा आपका भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी। हाल ही में अंगोला के किस स्टेडियम में मैच के दौरान भगदड़ हुई और उसमें कई सारे लोग मारे गए थे, लगभग 100 लोग मारे गए थे वहाँ, उस स्टेडियम का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा। जनवरी 4 स्टेडियम इसका नाम है, जनवरी 4 स्टेडियम। ये अप्रैल 2017 में आयोजित होने वाले हिमालयन क्षेत्रीय खेलों की मेजबानी आईओए द्वारा किसे सौंपी गई है? ये सौंपी गई है आपको किस राज्य को? तो ये सौंपी गई है गुवाहाटी को, राज्य को नहीं मतलब जगह को, गुवाहाटी को। और आईओए इंडियन ओलंपिक संघ एसोसिएशन। अब देख लेते हैं पुरस्कार और सम्मान, इम्पोर्टेंट होते हैं ये, आ जाते हैं। हाल ही में डॉक्टर सत्यपाल ओझा मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है आपका डीडी चौधरी को। हाल ही में एफआईएच के हॉकी स्टार्स अवार्ड 2016 का वितरण भारत में कहाँ किया गया? ये किया गया आपका चंडीगढ़ में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आना पक्का तय है एक तरह से, मांग चलिए। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को एशिया पैसिफिक ब्रांड फाउंडेशन द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है ब्रांड लॉरिएट लेजेंडरी अवार्ड से। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखें, नोट कर सकते हैं। 59वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2017 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार प्राप्त करने वाली अडेल। तो एक तो ये है कि 5 सर्वाधिक पुरस्कार किसने प्राप्त किए? अडेल ने। तो ये किस देश की है? ये है आपकी ब्रिटेन की। 20वां व्यास सम्मान से किस साहित्यकार को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है? ये की गई है आपकी सुरेंद्र वर्मा की, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, 70वें बाफ्टा पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? लाला लैंड को। और आपको पता है ऑस्कर जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है मून लाइट को। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये दोनों ही पुरस्कार आ जाते हैं। डॉक्टर बी सी राय नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है आपका चिकित्सा क्षेत्र में। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटिश मूर्तिकार अनीस कुमार को किस देश का प्रतिष्ठित जेनेसिस प्राइज 2017 प्रदान किया गया? ये पुरस्कार है आपका इसराइल का। 20 जनवरी 2017 को फिलीपींस में संपन्न मिस यूनिवर्स 2016 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? इम्पोर्टेंट है, आ जाएगा ये, आयरिस मिटेना एरे, आयरिस मिटेना एरे। हाल ही में ई जेल परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है? ये शुरू करी गई है आपकी जम्मू कश्मीर द्वारा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी आपकी 1956 में।
हाल ही में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर ई वीजा पर भारत आने वाले पर्यटकों के लिए प्री लोडेड सिम कार्ड की शुरुआत किसके सहयोग से की गई? तो ये BSNL के सहयोग से करी गई है। इंद की राजग सरकार का लक्ष्य 2020 तक कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है? तो ये आपका 5 करोड़। इस तत्व को आप दिमाग में रखते हैं, कहीं भी फिट कर सकते हैं आपको, और PCS में तो पूछा ही जा सकता है, UPPCS में। हाल ही में युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विजय गोयल ने किस खेल को देश का पसंदीदा खेल बनाने हेतु सबसे बड़े स्कूल खेल पहुंच कार्यक्रम मिशन 11 मिलियन का शुभारंभ किया? ये आपका फुटबॉल को। हाल ही में रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु यानी सुरेश प्रभु द्वारा भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़े विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास का पहला चरण आरंभ किया। पहले चरण में कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? ऐसे आ जाते हैं 23 स्टेशनों को शामिल किया गया है। मार्च 2017 तक देश में कितने प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खोले जाएंगे? इम्पोर्टेंट है डेटा, 3000 PCS के लिए। काम पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? यह आपका IAS के लिए इम्पोर्टेंट है, और PCS के लिए तो है ही है, खनन मंत्रालय द्वारा। काम पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन 3 फरवरी 2017 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 6 राज्यों के अटल मिशन योजनाओं यानी अमृत को मंजूरी दी। इन राज्यों में शामिल नहीं है, कौन सा राज्य शामिल नहीं है? त्रिपुरा शामिल नहीं है, बाकी के सारे राज्य शामिल हैं। 5 फरवरी को मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग कितने बच्चों को टीके लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे आपके 3.5 करोड़ के आसपास, यानी 3.6 करोड़, इसे ऐसे याद करें अच्छे से, डेटा है ये 3.6 करोड़। हाल ही में युवा मामलों के खेल मंत्री राज्यवर्धन विजय गोयल द्वारा किस राज्य में पैरा एथलीटों के लिए पहले प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है गुजरात में। हाल ही में ट्विटर सेवा BARPG सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ये शुरू करी गई है आपकी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा, तो ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया? ये किया गया आपका असम में। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन स्कीम एवं कौशल्या योजना का अनुमोदन किया? ये किया आपका मध्य प्रदेश ने, अच्छे से याद रखें इसे। हाल ही में सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अजय मित्तल द्वारा फिल्म कंडीशन असेसमेंट प्रोजेक्ट पुणे में लॉन्च किया गया, यह किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया आपका राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन के रूप के तहत। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना 2016 के तहत 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है, उपयुक्त प्रश्न में कौन शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं, योग एवं विकास, बाकी के तीनों शामिल हैं। अब देख लेते हैं ऑपरेशन और अभियान। वर्ष 2007 के से प्रति दूसरे वर्ष बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास अमन का आयोजन किस देश में किया जाता है? ये किया जाता है आपका अमन का पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष के बाद। देख लेते हैं आयोग समिति वगैरह जो भी हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डेयरी परिसर की कार्य योजना तैयार करने हेतु मंत्रिमंडल की एक उप समिति का बनाने का निर्णय लिया है? ये लिया है आपका हरियाणा का, हरियाणा में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस विषय पर विचार के लिए DS ढेसी समिति का गठन किया? तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आरक्षण से संबंधित थी ये, इस वजह से। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले कितने ओलंपिक खेलों के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है? और तो ये 3 ओलंपिक के लिए किया गया, उनके अध्यक्ष कौन थे? अभिनव बिंद्रा। देखिए सितंबर 2017 के मध्य 9वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका जियामेन शहर, और ये है कहाँ? ये आपका चीन में, और इसका मुख्य विषय क्या होगा? ब्रिक्स एक उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 25 से 27 फरवरी 2017 के मध्य 3रे उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2017 का आयोजन
कहाँ किया गया? ये किया गया आपका लखनऊ, इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीपीएससी के लिए। ये फरवरी 2017 के मध्य भारत बोध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका नई दिल्ली में। फरवरी 2017 के मध्य विश्व एकीकृत चिकित्सा फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। फरवरी 2017 में ही एक मध्य द्वितीय गेटवे ऑफ इंडिया जियो इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया मुंबई में। ये फरवरी 2017 के मध्य मोमेंट झारखंड वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया रांची में। एक खनन एवं ईंधन उद्योग के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। हाल ही में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया त्रिवेंद्रपुरम में, केरल में। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा प्रतिवर्ष किस तिथि से किस तिथि तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह समारोह का आयोजन किया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, 12 से 18 फरवरी तक। मानसागर झील किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है ये आपकी राजस्थान में है। नेचर फेस्ट का आयोजन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सायरोपा में ग्रेट हिमालयन पार्क में किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये किया गया आपका यूनेस्को द्वारा, तो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी। किस देश में चौथे बिम्सटेक शिखर बैठक 2017 का आयोजन किया जाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बिम्सटेक, तो ये किया जाएगा आपका नेपाल में। और बिम्सटेक में कौन कौन से सदस्य हैं? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान और नेपाल इसमें शामिल हैं, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी। और बिम्सटेक की जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें इसे, और इसके सदस्य याद रखें। और 1997 में हुई थी और ये इनकी चौथी बैठक है। 17वें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका मानसेर में, 7 से 5 फरवरी, यानी 5 से 7 फरवरी 2017 के मध्य किस राज्य में प्रसिद्ध वड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है? ये किया गया आपका राजस्थान में। सेनेगल की राजधानी क्या है? जो चर्चा में रहा था ये आपका डाकार, डाकार घोषणा पत्र आपने सुना होगा। जनवरी में जो है 2017 के मध्य नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका पुणे में। फरवरी 2017 के मध्य द्वितीय इंडिया फार्मा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था आपका बेंगलुरु में। हाल ही में डिजिटल रेडियो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। अब देख लेते हैं संधि और समझौते, इंपोर्टेंट होते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी? तो ये नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत एवं रवांडा के मध्य किस क्षेत्र में हुए समझौते को मंजूरी प्रदान की गई? ये इनके मध्य में हुई हवाई सेवा से रिलेटिव। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और सेनेगल के बीच मध्य में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, वो कौन सा था? तो ये था आपका चिकित्सा और स्वास्थ्य रिलेटिव। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस क्षेत्र में समझौता हुआ? ये हुआ आपका दोहरा कराधान के क्षेत्र में। देखिए रेल मंत्रालय भारत सरकार व इटली की सरकारी क्षेत्र की कंपनी के मध्य में एक समझौता हुआ, तो वो किस रिलेटिव था? वो था आपका रेलवे क्षेत्र में जो सुरक्षा से रिलेटिव था। हाल ही में भारत ने किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के साथ 201 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किस लिए किए थे? ये किए थे आपके तृतीय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम से, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें इसे, विश्व बैंक के साथ किए इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा देख लेते हैं संघ और संगठन से रिलेटिव जो क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठित करने का निर्णय किया गया,
और इस बोर्ड के मुख्य कार्य भी निर्धारित किए गए। प्रश्न में कौन सा कार्य जो है शामिल नहीं है, तो जो शामिल नहीं है वन्य जीवों की सुरक्षा इसमें शामिल नहीं था, बाकी के जो ये सारे शामिल थे। पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, जल्दी जल्दी देखते हैं हम। देखिए, कम्बाला किस राज्य का पारंपरिक खेल है, तो ये कर्नाटक का है, ये ध्यान में रखना है। कम्बाला ये क्या होता है, भैंसा दौड़ होती है ये। कम्बाला इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, 17 फरवरी 2017 को पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों के नियमन में से जुड़े ऐतिहासिक हिंदू विवाह विधेयक 2017 को सीनेट द्वारा पारित कर दिया गया है। इसमें लड़के और लड़की दोनों के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई है, ये एक ही न्यूनतम आयु है जो कि 18 वर्ष है। जैसे हमारे यहाँ 18 और 21 है, लेकिन वहां पर केवल दोनों के लिए ही 18 है। 28 फरवरी 2017 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। लेकिन इस वर्ष दिवस का मुख्य विषय क्या था, तो ये विषय था आपका, इसे याद कर लें, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ध्यान में रखें इसे। और ये 28 तारीख को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव की खोज की घोषणा करी थी। तो कभी कभार आ जाए कि ये क्यों मनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज हुई थी 28 तारीख को, 28 फरवरी को, इस वजह से ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और इसका जो इस बार विषय था वो था, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। 2 फरवरी 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व वेटलैंड दिवस जो है मनाया गया, जो दलदली भूमि से संबंधित है। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपदा जोखिम में कमी के लिए वेटलैंड, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 24 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित ईसा योग केंद्र में आदि योगी शिव की प्रतिमा का लोकार्पण किया, तो ये किया कोयम्बटूर में, और ये तमिलनाडु में है, पता होगा आपको। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निजी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है, ये कर दिया है आपका हरियाणा सरकार ने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी पहल है, एक तरह से मान चलिए, कहीं भी इसे जोड़ सकते हैं हम। हाल ही में किस मंत्रालय ने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल एट्रस जारी किया है, ये किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सामाजिक नवाचार केंद्र की शुरुआत हुई है, ये हुई है आपकी तेलंगाना में। हाल ही में कतर एयरवेज ने किन स्थानों के मध्य विश्व की सबसे लंबी वाणिज्यिक वायु सेवा शुरुआत करी, ये करी आपकी दोहा से ऑकलैंड। नेपाल में प्रतिवर्ष कितने मूल्य की सब्जियों का आयात भारत में किया जाता है, तो ये थोड़ा डेटा जानना हल्का सा आवश्यक है, 55 बिलियन रुपये का। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने फरवरी का पुराना वीडियो नहीं देखा है, पूरा 20 मिनट का वीडियो, उसे भी देख लें, और 20 मिनट का लगभग ये वीडियो हो गया, तो इसे भी देख लें। ये आपका फरवरी का पूरा फैक्ट था जो कंप्लीट हो गया, और बाकी के सोर्स से हम अलग से फरवरी का करंट देखेंगे, और मार्च की सीरीज तो आपकी चली रही है, वो भी अलग से हम देख कवर कर ही रहे हैं, तो पूरा हमें UPSC के लिए फोकस रह के कवर करना है सारा। और तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी, धन्यवाद।